कश्मीर के अनंतनाग में 13 सितंबर को आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष धोनचक का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा, जहां एक तरफ उनके अंतिम संस्कार से पहले उनकी सिख रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें गन सैल्यूट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई मेजर विकास ने उन्हें मुखाग्नि दी। शहीद मेजर की अंतिम यात्रा पानीपत के टीडीआई सिटी से 14 किलोमीटर दूर उनके पैतृक गांव पिंझोल पहुंची। यात्रा के दौरान शहीद आशीष की एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने आशीष की पार्थिव देह पर फूल बरसाकर उन्हें विदा किया। इस अंतिम यात्रा के साथ शहीद मेजर आशीष की बहनें और माँ भी पिंझोल आई। माँ पूरे रास्ते हाथ जोड़े रही, जबकि बहनें भाई को सैल्यूट करती दिखाई दी। इस पर उनकी बहनों ने सिर्फ इतना कहा, हमारा भाई हमारा और पूरे देश का गर्व है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए एसीपी नेटवर्क के साथ।